ఆదేశాల మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభాపక్ష నాయకుడు 50 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా ఏకదాటిగా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ నాయకుడు పెద్దలు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు జాతీయ స్థాయిలో మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆస్తులను ఏ విధంగా అగ్వకు అమ్మేసి ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను కాపాడడమే కాకుండా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి పెట్టిన పెట్టుబడులను అన్నింటిని కూడా జాతీయ స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ గారు అమ్మడం మొదలుపెట్టిండ్రు. వాటికి సంబంధించి ఈ దేశ ప్రజలకు ఒక అవగాహన కల్పించి దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులను వివరించడానికి ఏఐసిసి ఆదేశాల మేరకు పెద్దలు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సందర్శించిండ్రు. వారు ఆ అంశాలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను మీడియా మిత్రుల ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఇది జాతీయ స్థాయిలో ఎంతో ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్న అంశం, మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ప్రాధాన్యతను కల్పించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ పెద్దలు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని మాట్లాడవలసిందిగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి అధ్యక్ష శ్రీ రేవంత్ రెడ్డిజీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సభి వరిష్ఠ నేతాగణ్ ఆర్ యహాన్ పర్ ఉపస్థిత్ మేరే మీడియా కే దోస్తో, मैं यहाँ पर जो आया खासकर रिसेंटली मोदी सरकार ने जो 23 अगस्त 2021 को నేషనల్ మోనటైజేషన్ పైప్ లైన్ మే 6 లాఖ్ కరోడ్ రూపాయ జమా కర్నే కా జో ఏక్ దేశ్ కే లోగోన్ కో సందేశ్ దియా హై ఔర్ జితనే భీ पब्लिक सेक्टर्स हैं उसको एक एक करके मॉर्टगेज करना, लीज करना, हो सकता है आगे सेल भी करना, तो इसका परिणाम क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी, how it is going to affect the common people and the country and how we are going to lose all the public sectors to few people. Modi always said acche din launga. अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये अच्छे दिन है? पहले तो आपने 3 साल में कम से कम 3,50,000 करोड़ की पब्लिक
सेक्टर संपत्ति बेची है या लीज दी है, और आप आज भी फिर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में उन्होंने इस देश को बनाने के लिए आजादी के बाद जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट लाया था 1951 के बाद, कम से कम उन्होंने सैकड़ों पब्लिक सेक्टर्स इस देश में लाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मिक्स्ड इकोनॉमी पे अपना विश्वास करते थे और उसी के वजह से उन्होंने प्लानिंग कमीशन और बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाए। 1951 में सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर थे इस देश में, लेकिन उनके जमाने में नियरली 89 पब्लिक सेक्टर इसको जोड़ दिए। आज इसी के वजह से हैदराबाद का भी नाम हिंदुस्तान में नहीं सारे देश में, सारे संसार में इसका नाम बड़ा है, क्योंकि इतने पब्लिक सेक्टर यहां पर लाए गए और उस पब्लिक सेक्टर से इतना एम्प्लॉयमेंट हैदराबाद में बढ़ा और उसके वजह से यहाँ का इकोनॉमी बढ़ी। अब जब इनकम लोगों के हाथ में पैसा आता है तो नेचुरली कंजम्पशन भी बढ़ता है। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है, जब बिजनेस बढ़ता है तो यहाँ संपत्ति भी बढ़ती है। तो इसका कारण जवाहरलाल नेहरू जी है, कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत से इंडस्ट्रीज इस देश में लाई। वो भी करके आपको हम देंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का उद्देश्य यही था, इस देश में प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, जॉइंट सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स को जवाहरलाल नेहरू जी ने तवज्जो दिया और इन सेक्टर्स के साथ ही बड़े BHEL, BEL, ITs, ये जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये सब इस देश में आए। और आज पब्लिक सेक्टर्स के तहत 35 लाख लोग काम कर रहे हैं, 35 लाख लोग एश्योर्ड इनकम ले रहे हैं, और ये 35 लाख पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग, उनकी पढ़ाई बढ़ी है उनके लोगों की, उनका इनकम बढ़ गया है। तो इस पब्लिक सेक्टर को आज
మోదీ జీ ఖతమ్ కర్ రే ఏక్ కే బాద్ ఏక్ ఏక్ కే బాద్ ఔర్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అగర్ ఖతమ్ హో గయే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఖతమ్ హువా ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఖతమ్ హువా తో రైల్వే సెక్టర్ ఖతమ్ హువా తో అల్టిమేట్లీ రిజర్వేషన్ భీ ఖతమ్ హో గయే ఔర్ बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन के लिए लड़ के लिए मंडल कमीशन के तहत शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो पहले से था ही, वो तो संविधान के तहत दिया गया हुआ था, लेकिन इन लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए इनको पस्त करने के लिए मोदी जी ने इनडायरेक्टली एक कदम उठाया है कि इसको डीनेशनलाइज करो या बेचो और आहिस्ता आहिस्ता इनकी आर्थिक परिस्थिति आज जो है इसका इनका कमर तोड़ के ना ये लोग पॉलिटिक्स में रहे या इनके पास पॉलिटिकल पावर रहे ना ये लोग स्वाभिमान के साथ जिए, ये उनका मूलभूत सेक्टर थे, वो बार बार नुकसान में आ रहे थे, इसीलिए चंद को उन्होंने डिलीट किया, यानी उसको या मिला दिया या उसको किसी तरह से दूसरे तरीके से लाए, लेकिन यहां जो फायदे के हैं, जो फायदे में चल रहे महारत्ना और वो क्या और एक रत्न है ना नवरत्ना मिनी रत्ना, अरे ये तो प्रॉफिट में है और कम से कम साल को 3,50,000 करोड़ रुपए फायदा होता है और नुकसान कितने, नुकसान में चलने वाले पब्लिक सेक्टर्स कितने हैं, उसमें सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए नुकसान होता है। फिर भी सब अगर पीयूसी आप देखेंगे तो सभी मिल जाने के बाद भी 3,00,000 करोड़ आज सरकार को पब्लिक सेक्टर से फायदा है और उसी के साथ साथ 7,00,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलता है एक्साइज ड्यूटी के तहत, जीएसटी के तहत इंपोर्ट ड्यूटी भी हो सकती है, ये सारे तरीके से गवर्नमेंट को इसमें भी फायदा है। तो हर चीज में आज जो कांग्रेस ने बना के रखी और उसको आप बेचना शुरू किए, वॉट एवर वी अर्न इट इज टैक्स पेयर्स मनी, पीपल हैव पेड, इट इज पीपल्स असेट, इट इज ए पब्लिक असेट एंड मोदी जी इज सेलिंग वन बाय वन। एंड और एक मजे की बात आपको मैं बताऊंगा कि दही रोड 1,60,000 करोड़ इसकी वैल्यू है, उन्होंने 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे को किसी अमीर को या अपने चाहते को देखकर उससे वो कमाना चाहते हैं 1,60,000 करोड़ 4 साल में। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत सालाना 1 किलोमीटर को 85 पैसा गिरता है जो टोल कलेक्ट करते हैं,
अगर आपको 1,60,000 करोड़ 4 साल में अगर कमाना है तो आपको 6 गुना टैक्स टोल टैक्स देना पड़ेगा। आप जो आज 200 रुपए किसी टोल टैक्स में दे रहे हैं तो वो कल इसका 6 गुना करेगा, क्योंकि कोई मुफ्त में तो नहीं लेगा और उसको तो 1,60,000 देना है। वैसा ही रेल, उससे 1,52,000 करोड़ कमाना चाहते हैं, 400 स्टेशंस, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक्स और गुड सेट्स। ये जो कल के दिन अगर कोई ऑक्शन में, या ऑक्शन को नाम के वास्ते करते हैं और ये हमेशा हम दो, हमारे दो जो भी है, दो बेचने वाले हैं, दो लेने वाले हैं खरीदने, तो उनको देने के लिए ये कम से कम 400 स्टेशन, 150 ट्रेन और 1,52,000 वो अगर कमाना है, इसके ऊपर फिर प्रॉफिट वो बनाना है, तो ट्रैक पे जो प्राइवेट ट्रेन चलेगी उसका भाड़ा बढ़ेगा, अगर पैसेंजर ट्रेन चलेगी उसका भाड़ा, क्योंकि वो ट्रैक उसके कंट्रोल में है। जैसा रोड उसके कंट्रोल में रहेगा तो टोल वो बढ़ाएगा फायदे में। तो पावर ट्रांसमिशन ये भी बहुत बड़ा इश्यू, ये 45,000 करोड़ इससे कमाना चाहते हैं और 42,300 सर्क्यूट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसी तरह पावर जनरेशन, उससे 40,000 करोड़ कमाना चाहते हैं और 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलार विंड ये सब असेट्स बेच रहे हैं। ऐसा ही नेचुरल गैस हो और पीडीटी पाइपलाइन हो, टेलीकॉम हो, वेयर हाउसिंग हो, माइनिंग हो, एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, स्टेडियम्स, यहाँ तक कि वो बेच रहे, लीज पे दे रहे हैं और ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। और हमको पूछ रहे थे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हालांकि 70 साल में हम 55-60 साल कांग्रेस ने की, बाकी के तो दूसरे मित्र पक्षों ने की, दूसरे दूसरों ने किया, और ये 70 साल में 6 साल तो वाजपेयी साहब का है, वो भी जो हमारे भी डाल देते क्योंकि उसको भी अपना नहीं समझते, इसको वाजपेयी जी। तो खैर 70 साल में हम कुछ नहीं किए, फिर आप 3.5 लाख करोड़ में जो बेचे संपत्ति वो किसकी थी? आज जो 6 लाख में आप जमा करने की सोच रहे हैं, नगद लाने की सोच रहे हैं, वो किसका है? आज तो ये बेच रहे हैं, कल के दिन नागार्जुन सागर में कहीं डैम वो भी लीज पे देंगे, तुंगभद्रा डैम देंगे, आलमट्टी डैम देंगे, कृष्णा कावेरी देंगे, क्योंकि पैसे की जब कमी होती है तो वो कहेंगे अरे हम उसका फुल यूटिलाइज करना है। तो ये जो इन्होंने सोच के रखा है और आज जो करने जा रहे हैं ये जनता के हित में नहीं और जनता के खिलाफ है और हम ये होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सारी संपत्ति को बचाने की कोशिश करेगी और जो कुछ हमने हासिल किया जनता के लिए आप एक एक करके नुकसान है समझकर आप ये कर रहे हैं।
के दिन देश इतना बड़ा नहीं होता। पहले क्या बैंक्स इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किए, बैंक नेशनलाइज होने के बाद ही गरीब लोग बैंक में पैर रखने लगे, पहले था। और इनकी जन धन योजना, जनधन योजना में उन्होंने गर्व से कहते हैं कि 43.03 crore अकाउंट्स बने। लेकिन प्राइवेट बैंक में कितने अकाउंट खोले? सिर्फ 1.80 crore, यानी 41 crore आपका जनधन अकाउंट पब्लिक सेक्टर में है, किसी देहात में नहीं खोले किसी बैंक प्राइवेट वाले। अरे ये सब सारा कांग्रेस पार्टी ने किया, और इतने पब्लिक सेक्टर जनहित में हमने किए, और आज जो पब्लिक सेक्टर्स, चाहे वो बेंगलुरु भी इतना बड़ा बना है बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर, हैदराबाद इतना बड़ा बना है बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर, वाराणसी इतनी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ रेलवे इंजन फैक्ट्री, अदर हर जगह पब्लिक सेक्टर्स के वजह से हम आगे आए। लेकिन ये अपना दुर्दैव है कि आज ऐसी सरकार आई है कि लूटो और अपने दोस्तों को बांटो, ये चल रहा है। और मुझे ताजुब लग रहा है कि जो समझदार लोग हैं वो भी चुप बैठे हैं, और मुझे और भी ताजुब लग रहा है जो इंटेलेक्चुअल्स, प्रेस, मीडिया जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो भी चुप बैठे हैं। तो ऐसा अगर हुआ तो एक तरफ डेमोक्रेसी खतरे में, एक तरफ संविधान खतरे में, दूसरे तरफ बोलने की आजादी खतरे में, और जो 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 हमने कमाया वो सब या प्राइवेटाइजेशन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से ये सारा कुछ चल रहा है। और आज मैं आपके सामने यही कहने आया था कि ये जो असेट हमने बना के रखे हैं, इसको जो अपने दोस्तों को बेचने के इरादे से वो जो काम कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हम रोकना चाहिए, और हम रोक के रहेंगे। मैं एक आपके पास कोट करूंगा नेहरू जी का, जिन्होंने ये बात आजादी के बाद ये कही थी, एक पूंजीवादी समाज में ताकतों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो अमीर और अमीर, जबकि गरीब और गरीब हो जाते हैं। तो इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, कोऑपरेटिव सेक्टर को, जॉइंट सेक्टर को, माइक्रो फाइनेंस को हमने बढ़ावा देते रहे। और सबसे पहली बात मैं यही बोला कि जैसे जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर्स खत्म होंगे, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और गरीब जो अपने पैर पे खड़ा होके स्वाभिमान से जो जी रहा है उसकी भी रोटी छीन ली। रेलवे एक ही सेक्टर में, पहले जब मैं रेलवे मिनिस्टर था 14 लाख लोग काम करते थे, आज 12,35,000 पे आए, और वो कम करते जा रहे। तो इसके ऊपर से सोचिए। मैं अपील करता हूं देशवासियों से, और खासकर तेलंगाना वालों से भी, क्योंकि यहां पर भी इतने मजबूत पब्लिक सेक्टर्स थे, इतने एम्प्लॉयमेंट थे,
పడితే పడితే ఇతనా పడిగాయి. ముంసీపీ దేశాకైతే బస్తీ బస్తీ బస్తే బస్తే బస్తీ బంతా వైసాయి బడాగా ఉంటా. ఇసిలే హమ్ యహీ చాహెంగే కి హమారే పబ్లిక్ సెక్టర్స్ కో హమ్ హిఫాజత్ కర్నా చాహియే. ఔర్ మే పహలే హీ కహా జో బహుత్ హీ ఖరాబ్ హై ఔర్ వో మేనే యే భీ కహా కి ఉస్కే లియే అగర్ కుచ్ ఆప్ దురుస్త్ కర్ సక్తే హై ఇస్మే సే పైసా డాల్ సక్తే హై తో ఆప్ కీజియే. ఔర్ ఏక్ ఇంట్రెస్టింగ్ బాత్ యే హై యే జితనే భీ లోగ్ యే సారే 12 సెక్టర్స్ మే లేంగే లీజ్ పే లేంగే 30 సాల్ లేంగే 50 సాల్ లేంగే 90 ఇయర్స్ లేంగే బాద్ మే బోలెంగే కోయీ బ్యాంక్ హమారే పైసే దేనే కే లియే తయార్ నహీ హమారే నామ్ సే కరో తబ్ హమ్కో లోన్ మిలేగా తో ఫిర్ ఉన్కే నామ్ సే కుచ్ నహీ లేకిన్ పైసా ఇన్కే పాస్ నహీ. పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ పైసా భీ వహీ సే లేంగే గిర్వీ రఖేంగే హమారా సామాన్ ఓనర్షిప్ హమారే కాగజ్ మే రహేగా సారా ఓనర్షిప్ ఉన్కే పాస్ రహేగా. తో యే సమజ్నే కీ బాత్ హై ఇస్లియే మే యహీ కహనా చాహతా హూం కీ యే 60 లాఖ్ కరోడ్ కీ బాత్ జో నిర్మలా సీతారామ్ నే కహా ఔర్ మోదీ జీ యహీ కహతే రహే పహలే సే భీ కహతే హై కీ ఆజ్ తక్ ఉన్హోనే జో ప్రామిస్ కియా ఉస్మే కోయీ ఫుల్ఫిల్ కంప్లీట్ నహీ హో సక్తా ఛోటే మోటే కామ్ కే క్యోంకి మైనే దేఖా ఉన్కే ఆప్ 3 భాషణ నికాల్ కే దో దేఖియే పహలే జబ్ ఉన్హోనే యానీ యే 3 సాల్ కే 15 అగస్ట్ కే భాషణ మే దేఖియే ఉన్హోనే యే కహా 100 లాఖ్ కరోడ్ మై ఇన్వెస్ట్ కరానే కహా హై 100 లాఖ్ ఏక్ ఈట్ తో డాలే 100 లాఖ్ కరోడ్ కా ఉన్హోనే నక్షా దియా లేకిన్ ఏక్ ఈట్ కహీ నహీ లగీ ఏక్ ఫ్యాక్టరీ కహీ నహీ ఆయా ఎంప్లాయ్మెంట్ కహీ నహీ హువా యే తో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఛోడియే హమ్ క్రియేట్ కియే సో ఎంప్లాయ్మెంట్ తో ఛీన్ లే రహే. ఆప్ జో 2-2 కరోడ్ దేనే కీ వాయిదా కియే తే వో 15 కరోడ్ నౌకరియా కహా హై. హో సక్తా ఆప్ లోగో కో మిలే హోగే క్యోంకి హైదరాబాద్ ఏ సెంటర్ హై అప్నే భారత్ కా తో యహాన్ కుచ్ ఆయా హోగా కహీ ఆప్కే పాస్ మాలూమ్ నహీ ముజే ఔర్ దేశ్ కే యువకో కే పాస్ తో నహీ. తో కహనే కా మక్సద్ యే హై వాయిదా కర్తే హై లేకిన్ ఉస్కో నిభాతే నహీ తో హమ్ ఇస్కే లియే లడ్తే రహే. హమారీ పార్టీ ఏ కోషిష్ కర్తే రహే కి గరీబో ఎంప్లాయ్మెంట్ మిల్నే కే లియే ఔర్ కీ జో ఆజ్ కౌడీ కే దామ్ పే ఉన్కో దియా జా రహా హై ఉస్కో కిస్ లెన్స్ సే హమ్ లోగో తక్ పహుంచా సకే ఇస్కే బారే మే ఔర్ రోక్ సకే ఇస్కో.